उनके हर फैसलों में सेना का प्रभाव दिखाई दिया है और इमरान सरकार हमेशा से सेना की कठपुतली बनकर काम कर रही है। तभी तो इस बात को छिपाने के लिए इमरान खान को यह कहना पड़ रहा है कि उन्हें सेना से डर नहीं लगता। इमरान खान का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाने का इमरान खान की सरकार ने फैसला किया। बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला भी इमरान खान ने सेना के दबाव में ही लिया था, लेकिन इमरान खान अब दुनिया को बता रहे हैं कि उन्हें सेना से डर नहीं लगता। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा सेवा विस्तार के बाद 28 नवंबर 2022 तक इस पद पर तैनात रहेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। ये अधिसूचना 28 जनवरी को जारी की गई थी। इससे पहले देश की संसद ने बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी कानून पारित किया था। अधिसूचना में कहा गया है कि सेना प्रमुख का नया कार्यकाल 3 और साल के लिए होगा, जो 29 नवंबर 2019 से प्रभावी होकर 28 नवंबर 2022 तक रहेगा। पिछले साल 29 नवंबर को बाजवा को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन इमरान खान ने 59 साल के सेनाध्यक्ष को सेवा विस्तार दे दिया। जाहिर है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना जो दबदबा रखती है, इसके आगे सरकार क्या और क्या आवाम। भारत के खिलाफ षड्यंत्रकारी नीतियों के साथ चलने वाली पाकिस्तानी सेना लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचती रहती है। पाकिस्तानी सेना के कारनामों के चलते भारत और पाक के रिश्ते कभी सुधर नहीं पाए, जहां भारत ने हमेशा दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट दूर करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने अपने काम से दोनों देशों के बीच सिर्फ कड़वाहट भरने का काम किया। अब बात इमरान खान के सेना से डर की है तो इतना सब जानते हैं कि उनके लिए हर फैसले में सेना का हस्तक्षेप रहता है। अब उसे डर कहें या सेना के हाथ की कठपुतली होने का नतीजा।